सुबह का मन्ना 29 दिसंबर 2020, अपना गढ़ा छोड़कर जाएं। तब स्त्री अपना गढ़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, जो 9:28 वचन। पूर्वी देश में पसीने से तर बतर गर्मी की दोपहर को वह सामरी स्त्री पानी भरने के लिए कुएं के पास आई। वहां हमारे प्रभु ने उससे मुलाकात की और उसके अनैतिक जीवन के बारे में उसे बोध करवाया। उस कुएं के पास उसके जीवन में शुद्धिकरण और रूपांतरण का एक गहरा काम हुआ। तब यीशु ने उससे अनंत जीवन के लिए उमड़ते हुए सोते के बारे में बातें की, तो उसे फिर अपनी मिट्टी के घड़े की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। जैसे यीशु हमारे अंदर जीवन के जल के सोते को खोल देगा, तो हम भी अपनी मिट्टी के घड़े या टूटे हुए होंदों को फेंक सकेंगे, क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की हैं। उन्हें मुझसे बहते जल के सोते को त्याग दिया है, उन्होंने होंद बना लिया, वरन ऐसे होंद को जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। जर्मियां 2:13। टूटे हुए होंद इस संसार की तत्कालिक वस्तुओं पर भरोसा रखने को दिखाते हैं। जिस प्रकार वह सामरी स्त्री जे कल्पना करते हुए पतियों को बदलती रही कि वह उसे आनंदित कर सकता है, इसी प्रकार हम परमेश्वर के बच्चे अनंत काल की महिमा को छोड़कर कभी कभी संसार की व्यर्थ वस्तुओं पर ध्यान लगाते हैं। हो सकता कि वह स्त्री उस गढ़े को इसलिए छोड़कर गई होगी कि वह नगर में तुरंत जाकर वहां के लोगों को गवाही देकर उन्हें मसीह की ओर निमंत्रण करे। हो सकता है कि उसे सोचना होगा कि गढ़े को उठाकर जाने से नगर की ओर भागने और लौट आने में देर लगेगी। उसने ये भी सोचा होगा कि इस देरी के कारण लोगों को मसीह के मिलने के लिए कुएं के पास आने में देर लगेगी। इसके बीच में भी अपनी यात्रा में हो सकता है कि प्रभु आगे बढ़ जाए, विषय चाहे कुछ भी क्यों ना हो। परंतु इस स्त्री के बारे में एक बात बहुत ही उत्साह वर्धक और प्रकाश देने वाली है। एक बार जब उसने ये जान लिया कि यीशु ही सच्चा मसीह है, वह फिर बिल्कुल भी समय बर्बाद करना नहीं चाहती थी। उसने ये समझ लिया था कि उससे अपना बीता हुआ जीवन पूरी तरह से विवर्था और घमंड में बताया था। कम से कम मेरे बचे हुए छोटे से जीवन को मैं अनंत लाभ की बातों के लिए निवेश करूँ। सुबह का मन्ना, गॉड ब्लेस यू।